सर आप सब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या चल रहा है राजस्थान में इस वक्त, चूंकि विधानसभा भी चल रही है और बाकी राजनीति कैसी चल रही है? देखिए, जहां तक राजस्थान विधानसभा का सवाल है, ये कभी भी ये सरकार गिर सकती है, क्योंकि जो नाराज धड़ा है जी वो विधानसभा में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जी सचिन पायलट के ग्रुप के जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर नजर नहीं आ रहे जी। अब अंदर ही अंदर इनके क्या गुल खिल रहे हैं पता नहीं, पर लगता है कि ये कभी भी चाय में तूफान। हेलो, तो सर ये क्या लगता है कि जो चाय में तूफान आप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सरकार गिर सकती है, इसके पीछे की कोई वजह क्या? मैंने बताया झगड़े जी ना कि जो सचिन पायलट ग्रुप के लोग हैं वो नाराज हैं और वो विधानसभा में आ नहीं रहे। जी जी, असेंबली में आ नहीं रहे। जिस दिन भी कोई भी इश्यू पर वोटिंग होगी तो सरकार गिर सकती है। सर ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है कांग्रेस में इस वक्त, क्या लगता है कि वाकई ये एक लोकतांत्रिक हिसाब से क्या ठीक मानते हैं आप इसे? एक ही पार्टी में एक ही विचारधारा के लोग और इस प्रकार से, यानी सर फुटबल जो चल रहा है ये जी, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है जी। क्योंकि प्रदेश में 4 साल में ये कांग्रेस की सरकार जो है केवल मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, गरीबों के लिए कोई भी कार्यक्रम सही तरीके से नहीं हुआ जी। तो इसलिए केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सरकार रही है। कभी वो सचिन पायलट को निकम्मा बताते हैं, कभी नकारा बताते हैं, कभी कोरोना बताते हैं जी, तो इसी में चल रहा है इनका मामला। तो सर चूंकि अब चुनाव में भी ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है, तो अब किस तरीके की तैयारियां बीजेपी में, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक मुखी है और पूरे पावर के साथ मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। आज बजट का भी ऐलान हुआ है, बजट में भी काफी कुछ देखा गया है। बजट का जहां तक सवाल है, मीडियम क्लास लोगों के लिए जो इन्होंने 5 लाख की जगह 7 लाख टैक्स फ्री किया है जी, और 5 की जगह 7 स्लैब जो बनाए हैं, निश्चित रूप से इससे मीडिया को, ये मीडियम क्लास को फायदा होगा जी। और ये जो बजट है ये बेरोजगार नौजवानों को 47 लाख लोगों को और ये मतलब भत्ता दिया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट के 30 सेंटर खोले जाएंगे जी, तो निश्चित रूप से बेरोजगार नौजवानों के लिए ये अच्छी बात है। तो सर राजस्थान का जो बजट आने वाला है इसमें क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, जहां तक राजस्थान के बजट का सवाल है, ये तो घोषणाओं के मास्टर हैं, क्योंकि पिछली बजट की घोषणाएं भी जो इन्होंने की थी उनमें से अधिकांश घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की बात करी थी जी जी। 1,33,00,000 में से अभी तक 10 महिलाओं को भी स्मार्टफोन नहीं मिले जी। और अभी जो गवर्नर साहब का जो अभी भाषण था, जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में होता है जी, उसमें भी इस स्मार्टफोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि ये योजना या तो इन्होंने वापस ले ली या इसको बंद कर दी, पता नहीं। क्योंकि नहीं तो यदि मान लीजिए ये इतनी इनकी महत्वपूर्ण योजना थी जी, तो इस पर क्या हुआ? कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो नौकरियों की बात इन्होंने कही थी उनमें 28 में से 16 पेपर लीक हो गए जी। तो ये तो अभी ये घोषणाएं तो करेंगे सर, क्या लगता है जिस तरीके से विधानसभा जैसे चल रही है, वो जो सीएम के जो सलाहकार हैं वही अपने ही सरकार पर जो सवाल उठा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है जी। अब वो मंत्रिमंडल के सदस्य ही आपस में उलझ रहे हैं। वो राजेंद्र घुड़ा जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी ये हालत होगी, हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जितने लोग आते हैं उतनी सीटें आएगी। लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि 200 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यही कहना चाहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्यों पहले भी जब इनकी 21 सीटें आई थी उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी रिपीट होगी। रिपीट कहां से होगी? आपस में जिस प्रकार की सर फुटबल है इनमें, तो निश्चित रूप से ये सरकार तो जाने वाली। तो नेक्स्ट सरकार बीजेपी की मानी जाए? नेचुरली बीजेपी की बनेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद।